नमस्ते बच्चों, आज कक्षा छठवीं है और जो हमारा विषय है वो सामान्य विज्ञान है। और सामान्य विज्ञान में आज हम सजीव सृष्टि जो है, इसके पहले सजीव सृष्टि पाठ का नाम है। इसके पहले हमने पहले वाले जो वीडियो में सजीवों के लक्षण हमने पढ़े, जैसे कि वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, चेतन चिंता तथा हलचल और निश्चित जीवन काल। इन छहों जो लक्षण हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं हम कोशिकीय रचना के बारे में। कोशिकीय रचना पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे आप सभी लोग मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे। मधुमक्खी का जब छत्ता देखते हैं तो वह एक दूसरे से क्या होते हैं, उसके जो कोष होते हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और आप देखिए घर बनते हुए बनता है तो ईंटें पहले जो रखी रहती है अलग अलग रहती है, लेकिन जब घर बनाते हैं तो सीमेंट की सहायता से उसको एक के ऊपर एक जोड़ कर हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वह भी अनेक घटकों अर्थात इकाइयों से बना हुआ है। और इन्हीं छोटे छोटे जो घटकों और इकाइयों से बना है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और हमारे शरीर में जितने भी जो क्रियाएं होती है इन्हीं कोशिकाओं की सहायता से होती है। तो अब हम आते हैं कोशिकाओं में। एक कोशिका होती है अर्थात अमीबा और पैरामीशियम जैसे जो प्राणी होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वह एक कोशी होते हैं, उनमें एक कोशिका पाई जाती है। और लेकिन उनमें सजीवों के सारे जो लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। उसी प्रकार हम जैसे जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, आप देख रहे हैं वे सब क्या है, बहुकोशी प्राणी हैं। तो अब हम आते हैं चित्र के माध्यम से देखते हैं कि एक कोशीय प्राणियों की रचना। तो बच्चों जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशी है और सजीव है। और तथा पैरामीशियम क्या है, ये भी एक कोशी सजीव। यहाँ पर आप देखेंगे तिलचट्टा, और यहाँ पे देखिए तिलचट्टा यह बहुकोशीय प्राणी है। और यहाँ पर आप देखिए जो वृक्ष है यह भी बहुकोशीय है। स्नेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए प्याज की वनस्पति है, और ये हाथी, ये सब क्या है, बहुकोशीय प्राणी है। तो अमीबा तथा कुछ सूक्ष्मजीव क्या है, एक कोशीय सजीव है। जबकि मनुष्य, गाय, चूहा, तिलचट्टा, हाथी, बरगद का वृक्ष और प्याज का पौधा, ये सभी क्या है, बहुकोशीय सजीव है। सजीव एक कोशी हो या बहुकोशीय हो, सजीवों के सभी लक्षण प्रत्येक कोशिकाओं में हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों जैसे हम कोशिकीय रचना अभी चित्र के माध्यम से देखें कि सजीव जिन छोटे छोटे घटकों अर्थात इकाइयों से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की सभी क्रियाएं इन सूक्ष्म कोशिकाओं की सहायता से संपन्न होती है। और जो दूसरा हमने पढ़ा उसमें एक कोशिकीय सजीव और दूसरा बहुकोशिकीय सजीव, इसके बारे में पढ़ा। एक कोशिकीय सजीव में आपका अमीबा हो गया और पैरामीशियम। तो अमीबा और जो पैरामीशियम होते हैं अपनी जो ये आँखें हैं खुली हुई आँखों से नहीं दिखते, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी से आप देखोगे तो आपको यह दिखाई देंगे सजीव। और आते हैं बहुकोशीय सजीव, दो जो इनके प्रकार है, दूसरा बहुकोशीय सजीव। इसमें मनुष्य, गाय, चूहा, तिलचट्टा, हाथी, बरगद का वृक्ष, प्याज का पौधा, जितने भी चीज़ें और दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब क्या आ जाते हैं सजीव, तो वह इसमें बहुकोशीय सजीव में आ जाते हैं। तो सजीव एक कोशी हो या बहुकोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। सजीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, सजीवों के सभी लक्षण प्रत्येक कोशिका में दिखाई देते हैं। जो भी लक्षण हमने पढ़ा अभी पहले वाले वीडियो में, वह सारे लक्षण इसमें क्या करते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में दिखाई देते हैं। अब आते हैं उपयोगी सजीव। आपने उपयोगी सजीव, बहुत सारे जो सजीव हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं, और इनका उपयोग हम अपने घरेलू काम के लिए और औद्योगिक काम के लिए भी करते हैं। तो इन सारे का उपयोग करके हम सजीवों का अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं। तो कौन से सजीव कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करें। जैसे देखिए उपयोगी सजीव में घरेलू और औद्योगिक इन दो कार्यों के लिए करते हैं। अब देखिए मेथी, आलू, भिंडी, सेब, केला, ये जो वनस्पतियाँ हैं, पालक हो गया, ये सब हम इनका उपयोग अपने भोजन में करते हैं। ये भी अब वनस्पतियों को भी हमने सजीव में सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वनस्पतियाँ इनका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए करते हैं। अब कुछ वनस्पतियाँ जो होती हैं औषधि के, जैसे अड़ूसा, हर्रे, बहेड़ा, शतावरी। आजकल आप पंतजलि का अगर योगा देख रहे हैं तो उसमें ये नाम जो क्या है हमेशा आते रहते हैं। आप देखोगे औषधि के नाम, आजकल तो बच्चों के औषधि के नाम याद ही हो जा रहे हैं।
अड़ुसा हर्रे बहेड़ा सतावरी या उसे सफ़ेद मुसली भी कहा जाता है। उपयोगी प्राणी में मोस्टली अपने घर में हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तो कुत्ता बिल्ली गाय, गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है और आदि घरेलू उपयोग के लिए पाले जाते हैं। अब बैल भी देखिए खेत जोतने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो उपयोगी प्राणी हैं इनका उपयोग करके हम अपने जीवन के जो कार्य हैं उसको क्या करते हैं, सरल बनाते हैं और साथ साथ इनका उपयोग करके अपने शरीर को भी हम पुष्ट और पौष्टिक आहार का प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे आइए भोजन। भोजन में मछलियों, बकरी, भेड़ों तथा मुर्गियों का उपयोग करते हैं खाने के लिए, भोजन के रूप में इनका हम उपयोग करते हैं। आप देखते हो इसके अलावा भी बहुत सारे जो सजीव हैं उनका उपयोग आप भोजन के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ सजीवों के यहाँ पे नाम दिए हैं। व्यवसाय देखिए घोड़ा, बैल और ऊँट। रेगिस्तान में चले जाए तो ऊँट के बिना हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते। ऊँट को वहाँ का जहाज कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और कृषि के लिए केचुआ, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए केचुआ क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो कृषि में केचुए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बना देता है। अब आते हैं हानिकारक सजीव। तो हानिकारक सजीव में बहुत सारे सजीव हैं। देखिए मच्छर, मक्खी, ये क्या करते हैं, किसी खाने पर अगर खाद्य पदार्थ पर अगर बैठ जाते हैं तो रोगों का प्रसार करते हैं। और तिलचट्टा, चूहा, घूस, जू, किलनी। देखिए तिलचट्टा, चूहा जो ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो औद्योग मतलब जो खाद्यान्न होते हैं उसको क्या करते हैं, वो खराब कर देते हैं। जू और किलनी देखिए जो भैंस गाय होती है उस पर लग जाते हैं तो उनके शरीर को क्या करते हैं, बहुत हानि पहुँचाते हैं। उसके बाद आते हैं छिपकली, मकड़ी, बिसैले सांप, ये सब क्या करते हैं, ये बिसैले होने के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत अगर नुकसान पहुंचाते हैं, अगर इनका सामना अगर मनुष्य से हो जाता है तो क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। और जंगली हाथी, आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जंगल की कटाई हो जा रही है। तो जंगली जो प्राणी है, अब जो जंगली प्राणी है वो क्या कर रहे हैं, जो मनुष्यों का आवास है वहाँ पर आने लग रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उसी में जंगली हाथी अगर आ जाए तो कितना सारा नुकसान करेगा, तो इसको हमें सोच के रखना चाहिए। ये तो इससे जंगली हाथी भी हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो अब इसके बाद आते हैं हिंसक प्राणी। जो हिंसक प्राणी कौन है, जैसे सिंह हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब क्या करते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, अपने दूसरे प्राणियों को क्या करते हैं, शिकार करके वो अपने भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम हिंसक प्राणी में यहाँ पर देखिए, हिंसक प्राणी में आपका यहाँ पे आ गया बाघ, भेड़िया, तेंदुआ, सिंह आदि, ये सब क्या है, हिंसक प्राणी है। तो इनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में दूसरे प्राणियों का शिकार करके अपना भोजन की पूर्ति करते हैं। साथ साथ अब हम आते हैं कुछ जो उपयोगी जो हमारे सजीव रह गए थे, सजीवों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो हानिकारक होती हैं। जैसे वनस्पतियों में हम देखिए, वनस्पतियों में मोथा, तृण, अमरबेल, ये हानिकारक वनस्पतियाँ। और देखिए आपके घर में अरबी की पत्ती आती है या अरबी का जो सब्जी होती है अगर वो आ गई तो मम्मी कहती नहीं तेल लगा के उसको काटिए, क्यों, क्योंकि उससे उसको करने पर क्या होता है, खुजली होती है। तो केवाच और अरबी की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो खुजली करती हैं। गंध छीण वाली, कनेर और झरवेर जो उनकी गंध क्या होती है, बहुत छीण पसंद नहीं आती सबको। अब विषैली वनस्पतियों में धतूरा जो आपने सुना होगा, ये क्या है, विषैली, इसको खा लेंगे तो इंसान मर जाएगा अगर ज़रूरत से ज़्यादा। तो पानी को दूषित, आप देखते हैं पानी गांव में जाइए, टाकी जो बनी रहती है टंकी, उसमें छोटे छोटे घास की तरह से निकले रहते हैं, अगर वो ज़्यादा समय तक अगर टंकी के पानी में रहेंगे तो क्या होता है, पानी को दूषित कर देते हैं, तो उसे हम कवक या शैवाल कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि कोशिकीय रचना से लेकर जो उपयोगी सजीव हैं उन उपयोगी सजीव में भी हानिकारक सजीव हैं और हानिकारक वनस्पतियाँ, इन सबका उपयोग करके हमने क्या किया, इन सबका उपयोग करके हमने इसका उपयोग अपने आगे बढ़ने के लिए भोजन के रूप में भी किया, साथ साथ ये अपने भोजन के लिए भी अपने जैसे प्राणियों, जैसे हिंसक प्राणियों में अपने जैसे प्राणियों की क्या की, उन्होंने मारकर उनका अपने भोजन की आपूर्ति की। तो आज हमने
कोशिकीय रचना में एक कोशिकीय सजीव, बहुकोशिकीय सजीव इसके बारे में, और उपयोगी सजीव में हमने औषधि, उपयोगी प्राणी, भोजन, व्यवसाय और कृषि, और हानिकारक सजीव में हमने पढ़ा कि वनस्पतियों में हानिकारक है जो खुजली करती हैं, गंध क्षीण और विषैली वनस्पति और पानी को दूषित करने वाली वनस्पतियाँ होती हैं, और हिंसक सजीव में बाघ, भेड़िया, तेंदुआ और सिंह और बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो क्या हिंसक होते हैं। इनका आज हमने इस वीडियो में इन सभी के बारे में क्या की, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी ली। तो आप सभी को कौन से उपयोगी प्राणी हैं, कौन से नहीं हैं, कौन सी उपयोगी वनस्पतियाँ हैं, कौन सी नहीं है, इन सबको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है और लिख कर शुक्रवार के दिन आपको ग्रुप में भेजना है।